हाय सखीज, वेलकम टू सखी ब्यूटी पॉइंट। आज मैं आपके साथ इन कर्ली बालों पे हरकत शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रंट से इनके बोथ साइड के बैंग्स दिए हैं, और बैक से मैं आपको डीपीओ करना बताऊँगी। बहुत आसान है ये कटिंग, 3 से 4 मिनट में हो जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको लेंथ पूछनी है क्लाइंट से या मैं लेंथ पूछ रही हूँ? तो इन्होंने बताया है कि डीपीयू का जो फर्स्ट लेयर है कंधे तक आना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ के बालों को बीच में लाई हूँ मैं, और जहाँ लेंथ डिसाइड किया है वहाँ से मैंने कट कर दिया है। अब ये दोनों तरफ की गाइडलाइन तैयार हो गई है। अब इस गाइडलाइन को लेते हुए हमने नीचे के बालों को आधे आधे करके यू शेप में काट लेना है। अब मैं बीच सेंटर टू बैक की पार्टिंग कर रही हूँ। अब ये सेंटर टू बैक की पार्टिंग हो गई, और यहाँ पे मैंने अच्छे से वाटर स्प्रे किया है और बालों को अच्छे से कोम करते हुए थोड़ा सा बैठा लिया है। थोड़ा सा बालों को आपस में बालों को चिपका सा लिया है। और अब मैं जो मैंने फ्रेंड से गाइडलाइन ली है उसी को साथ में लेते हुए बालों को धीरे धीरे यू शेप में ले जाते हुए कट कर लिया। देखिए कितना आसान है यू कटिंग करना। और ये डीप यू या फिर अवी कह लें, दोनों दोनों ही कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आधे बाल कितनी जल्दी कट गए, आपने देखा आधे बाल कितनी जल्दी कट गए। अब मैं दूसरी तरफ के बालों को भी इस तरह से वाटर स्प्रे कर लिया है और अच्छे से चिपका लिया है। और अब फिर इधर के बालों को आप कंघी लगाकर बिल्कुल शेप में लेते हुए काट सकते हैं। तो देखा आपने कि ये कटिंग कितनी आसान है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से बालों को अपने पार्लर में काट कर अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं। और एक ही तरह की कटिंग करते करते कई बार बोरियत लगती है, तो नए नए तरीके से अगर आप बाल काटेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं लगेगी और आपका क्लाइंट भी खुश होकर जाएगा। तो ये देखिए जो हल्के फुल्के से बाल नीचे रह गए हैं एक्स्ट्रा, उसको मैंने निकाल दिया है और एकदम प्रॉपर यू कटिंग ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, अपने बालों को चेक करना है कि कटिंग सही हुई है या नहीं। तो हल्की फुल्की जो चेकिंग में थोड़े थोड़े बालों को मैंने उठाया है हाथों में, और हाथों की कैंची में लेकर बालों को जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको निकाल दिया है। इस तरह से दूसरी तरफ के बालों को भी लिया है मैंने, और हल्के से बाल जो एक्स्ट्रा रह रहे हैं उसको निकाल दिया। तो बालों की चेकिंग करने से कटिंग बहुत ही प्रॉपर आती है, इसलिए आप कटिंग करने के बाद बालों को चेक करना ना भूलें। अच्छी तरह से चेक करने के बाद जो छोटे बड़े बाल होते हैं वो निकल जाते हैं एकदम से लुक बढ़िया सा आ जाता है। तो इस तरह से इनके बाल कट गए हैं, आप देख रहे हैं शेप बिल्कुल डीप यू में आई है। और अब मैं फ्रंट की कटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने सेंटर पार्टिंग हुई है, दोनों तरफ के बालों की गाइडलाइन ली है और थोड़े से बाल मैंने काटे हैं क्योंकि इनके बाल कर्ली हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे हैं, बट बाल उतने हेल्दी नहीं है। तो मैंने थोड़े से बालों को काटा है। और दूसरी बात है, इन्हें थोड़े से ही चाहिए थे कट, इससे से उठाते हुए मैंने बालों को आगे के बालों को स्टेप्स में काट दिया। और दूसरी तरफ के बालों को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके उठा रही हूँ और ये भी बाल स्टेप्स में कट। इस तरह से अब बोथ साइड के बाल इक्वल हैं कि नहीं इसको देखने के लिए मैंने दोनों तरफ के बालों को उठाया है और मिला लिया है। अब इनके बैंग्स तैयार हैं, ये बोथ साइड से भी कर सकती हैं। अब इन्होंने इनको मैं साइड से दिखा रही हूँ, ये वाले बैंग्स ही साइड से भी करेंगी तो अच्छी लगेंगी। और चूंकि बाल कर लिए हैं तो ज़्यादा सेट करने की जरूरत तो नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से मोड़ दें तो आपके जो फ्रंट के जो बैंग्स हैं या फ्लिक्स हैं वो इस तरह से देखो कितने अच्छे से तरह से सेट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा लाइक्स दें और कमेंट भी करें ढेर सारा, इसके साथ ही शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे की वीडियो मैं डालती रहूं। और आप उसको देखते रहें। तो इस तरह से मैंने अब ड्रायर से सेट किया है बालों को। अब इनके बाल कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।